सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। तो मैं बात करने वाला हूँ बीबीजे वर्सेस आसिफ बंटाये के बारे में। तो आसिफ बंटाये कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, बकचोद बाबाजी रियल एक्सपोज फिट कैरीमिनाटी लीक रिकॉर्डिंग। तो उस वीडियो में आसिफ बंटाये बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर बीबीजे को एक्सपोज किए हैं। जी हाँ, अब मैं वो वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो वीडियो करीब 20 मिनट्स का है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एंड साथ ही साथ आसिफ बंटाये के उस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ बताए कि बीबीजे जो है पहले रोस्ट करते थे एंड वो दूसरों के वीडियो को कॉपी करते थे। आसिफ बंटाये बताया कि बीबीजे जो है दूसरों के वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड नहीं करते थे, लेकिन वॉइस ओवर जो है सेम देते थे। इनफैक्ट बीबीजे ने आसिफ बंटाये के वीडियो को भी कॉपी किया था एंड उसका आसिफ बंटाये प्रूफ भी दिखाए। तो यार सुनो, ये रोस्ट के नाम पे पहले यहाँ वहाँ से दूसरों की वीडियो जैसी की तैसी उठा के चेप दिया करती थी, और इस बात का प्रूफ ये है कि बकचोद भाभी मेरी खुद की वीडियो वर्ड टू वर्ड फेल चुकी है। ये देखिए, इसके चैनल के इतिहास की ये पहली वीडियो थी जो 1 मिलियन हिट की थी, वो भी वर्ड छापी हुई मेरे वीडियो की। इस वीडियो की डेट देखो और ये रही मेरी ओरिजिनल वीडियो, इसकी डेट देखो। एंड सेकंड पॉइंट में आसिफ बंटाये बताया कि बीबीजे जितने भी एक्सपोज वीडियोस बनाते हैं, मतलब जिनको भी बीबीजे ने आज तक एक्सपोज किया है, वो सब पहले ही एक्सपोज हो चुके थे, यानी कोई और एक्सपोज कर चुका था उनको। एंड बीबीजे दूसरों के वीडियोस को कॉपी करके खुद क्रेडिट लेते हैं, ऐसा आसिफ बंटाये बताए अपने वीडियो में एंड वो एक प्रूफ भी दिए। वेल, आजकल ये जो बकचोद भाभी एक्सपोज की क्वीन बनी बैठी है ना, वो भी सिर्फ ये दूसरों की वीडियोस पे छापे मार के बनी है। जितनों को भी ये एक्सपोज कर रही है, हैकर प्रूफ कर रही है, वो ऑलरेडी इसके वीडियोस बनाने से पहले एक्सपोज हो चुके थे, फिर भी ये क्लेम करती है कि एक्सपोज करने ये लगी, लोगों को सच्चाई इन्हें दिखाने लगी। और तो और हैरत की बात ये है कि ये बकचोद भाभी छापा मारने को मेहनत करना करार देती है। थर्डली आसिफ बंटाये एक पुराना इंसिडेंट शेयर किए। वो बताए कि जब कैरीमिनाटी शुरू शुरू में लाइव स्ट्रीम करते थे तो कैरीमिनाटी अपना पेटीएम नंबर देते थे ताकि लोग जो है उन्हें आसानी से पैसे डोनेट कर सके। तब उस टाइम पे जो है बीबीजे ने कैरीमिनाटी के अगेंस्ट वीडियो बनाया था एंड उनको ई बेगर बोला था, एंड साथ ही साथ बीबीजे ने कैरीमिनाटी को डिजिटल भिखारी भी बोला था। लेकिन बाद में जब बीबीजे खुद लाइव स्ट्रीम करने लगे, तब बीबीजे खुद अपना पेटीएम नंबर देने लगे ताकि लोग उनको आसानी से डोनेट कर सके। एंड जो कैरीमिनाटी के अगेंस्ट बीबीजे ने वीडियो बनाया था, वो उन्होंने सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए। एंड उतना ही नहीं, कैरीमिनाटी एंड बीबीजे का आसिफ बंटाये कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना है। जी हाँ, आप भी सुनिए कैरीमिनाटी एंड बीबीजे का कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, चल ब्रो, चल मिलते हैं। हाँ हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? बोलो। हाँ भाई, क्या सीन है यार? यार सीन तो पता नहीं बन गया यार, इतना बड़ा बनाना तो नहीं था। बनाना नहीं तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग? यार पता देख लफड़े में तू बीच में फालतू में आ गया यार, पता है तेरे को इतना बड़ा था नहीं इशू, पता है वो ये हुडर के वजह से था सारा। अबे तो तूने भाई तूने सिंपल ये कर दिया था कि तो ऐसे दिखा रहा था मेरे से रिलेट करके, तूने तो मेरे को अटैक कर दिया साथ ही साथ। देखिए सीन तो खत्म हो सकता है, ये सीन खत्म हो जाएगा। नहीं, टेंशन ना ले, तेरा सीन तो खत्म हो जाएगा। देख खत्म की बात नहीं यार, देख दो चार भी लोग जितने भी लोग इफेक्ट तो होते हैं ना तब भी। अब जितने लोग भाई बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले बता दो भाई, सारे ऑडियंस बच्चे हैं, 14 साल के 13 साल के। ये तो बात सही है यार, ठीक है ना, 14-13 साल के बच्चे हैं। 14-13 साल के बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने पढ़ लिया, तुमने उन्हें मैनिपुलेट कर दिया, क्या सोचेंगे? भैंचो ये तो भिखारी है, ठीक है। उसने अपने दोस्तों को बोला भैंचो ये तो भिखारी है, उसने अपने दोस्तों को बोला भैंचो ये तो भिखारी, ऐसे करके भैंचो पूरी दुनिया में भिखारी बन जाएगा। ये बात तो सही कह रहा है मेरी बात। एंड आपको पता होगा कि बीबीजे बोलते रहते हैं कि बहुत सारे स्ट्रीमर्स मोबाइल का गेम एमुलेटर पे खेलते हैं एंड ऐसा करके वो लोग जो है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं। एंड इसी के बारे में बताते हुए आसिफ बंटाये बताए कि बीबीजे जब शुरू में लाइव स्ट्रीम करते थे तब वो खुद मोबाइल का गेम एमुलेटर पे खेलते थे एंड उसका आसिफ बंटाये प्रूफ भी दिखाए है। या आजकल लोगों को बोलता है मोबाइल का गेम पीसी पे एमुलेटर पे खेलते हो और खुद पहले ये किया करता था। सेम सिचुएशन है, कैरी को लाइव स्ट्रीम पे पेटीएम डोनेशन लेने पे ई बैगर बोलता था, फिर खुद भी वही काम किया और अब खुद एमुलेटर पे अच्छा खासा खेल के लोगों को कोस रहा है मोबाइल का गेम पीसी एमुलेटर में खेलने के लिए। एंड इतना ही नहीं, आसिफ बंटाये बताए कि बीबीजे जो है पहले हैक यूज करते थे। जी हाँ, जब बीबीजे लाइव स्ट्रीम करते थे तब वो खुद हैक यूज करते थे। जी हाँ, बीबीजे जब शुरू शुरू में लाइव स्ट्रीम करते थे तब बीबीजे खुद हैक यूज करते थे। जी हाँ, एंड इसका भी आसिफ बंटाये प्रूफ दिए है। ये लोगों को इन दिनों हैकर प्रूफ करने में लगा है, इसका कहना है स्ट्रीमर्स लाइव स्ट्रीम में हैक यूज करके लोगों को बना रहे हैं। ये गॉड मोड हैक यूज करता पाया गया था पबजी में, वो भी एमुलेटर में ही खेल रहा था ये देखो, यहाँ भाई जोन के बाहर रह गए थे और इनकी लाइट चली गई थी और भाई की एचपी भी कम नहीं हो रही थी।
अरे पावर इतनी कम हो रही, देख बाबा और कम। अरे रुक जा रुक जा, उसकी एनर्जी ड्रेन खत्म नहीं हो रही है। अरे पावर ही नहीं कम हो रही, लॉल रुक जा रुक जा। चमक गया बकचोद बाबा, चमक गया। अभी रुक जा, उसकी हेल्थ क्यों नहीं जा रही है भाई? जा ही नहीं रही भाई, अनलिमिटेड हेल्थ, गॉड मोड है भाई ये। तो अब तक हेल्थ खत्म होगा, रेड हो जाता है, मर जाना चाहिए अभी तक तो। अगर अब नए सर्कल के मैं लेने जाऊंगा फिर इनको। खैर जैसा कि आपने देखा और सुना कि इसके साथ वाले भी इसको पकड़ चुके थे, गॉड मोड इसका पकड़ा गया था। एंड रिसेंटली जो रॉनी वर्सेस बीबीजे का ड्रामा हुआ था उसके बारे में भी आसिफ बंटाए बताए हैं। एंड ऑल्सो कुछ महीने पहले बीबीजे वर्सेस मल्लिका का ड्रामा, उसके बारे में भी आसिफ बंटाए बताए। वो बताए कि कैसे जो है बीबीजे ने झूठ बोला था कि मल्लिका ने जो है बीबीजे को 3 स्ट्राइक दे दिया था एंड उनका चैनल ही खत्म करवाया था। लेकिन रियलिटी ये था कि मल्लिका ने बीबीजे को सिर्फ 1 स्ट्राइक दिया था एंड वो भी मल्लिका ने बाद में वापस ले लिया था। यही सारे पॉइंट को लेकर आसिफ बंटाए बीबीजे को एक्सपोज किए हैं। अगर आपको आसिफ बंटाए का ये वीडियो पूरा देखना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। एंड हाँ, अभी तक बीबीजे इस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं किए हैं, जैसे ही रिएक्ट करते हैं आपको मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे तब वो एक सॉन्ग अपलोड किए थे, आप लोगों को पता होगा परिचय। तो उस सॉन्ग ने कंप्लीट कर लिए है 50 मिलियन व्यूज। जी हाँ, एंड इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए अमित भड़ाना एंड इक्का कुछ कहे हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू। तो आप भी देखिए अमित भड़ाना एंड इक्का क्या कहे। परिचय 50 मिलियन पे है, तो मुझे वो भी दिन याद आता है जब मैं पहली बार पाजी से मिला था और मैंने कहा था पाजी कुछ ऐसा बनाना है, और जब पाजी ने लिखा, पाजी आपका कुछ एक्सपीरियंस? मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अमित भाई बहुत ही जेन्युइन इंसान है और इन्होंने मेरे को अपनी स्टोरी बताई और बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को लगा कि हमने भी ऐसी जिंदगी जी है यार, और कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं अंदर से। और मैंने कहा भाई मतलब कि मेरे को ये करना है और दिल से करना है, और दिल से ही हुआ और दिल से ही आपके सामने हमने चीज पेश करी और आपने दिल से ही प्यार दिया हम सबको। मैं पाजी डेली वीडियो पर कमेंट पढ़ता हूँ, किसी पे पढ़ू ना पढ़ू परिचय पर जरूर पढ़ता हूँ। एक गाने की एक खासियत है कि 70-75% लोग ये बोलते हैं कि गाने इंस्पायर ज्यादा करते हैं, मोटिवेट बहुत करता है। बस सच्चाई है ना, जीत है मतलब अपनी। हमने कुछ ऐसा उसमें बोला ही नहीं कि जो हमारे साथ बीता ना हो, जो बीता था जो हमने गाया है वो हमने देखा है कहीं ना कहीं, और वो महसूस होता है जब हम वो सुनते हैं लोग, क्योंकि किसी ना किसी के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं यार। और जो भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं और मैं उनके लिए वो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन से लेते हैं। हाँ भाई, सारे के सभी लोग जितने भी लोग सुनते हैं सबको बहुत, क्योंकि जब वो क्राउड वाला शॉट आता है ना सब देख के, इतने मैंने देखा खुशी आते हैं, मैं रिएक्शन वीडियोस देखता हूं जब उनके मुंह पे खुशी आते हैं ना यूट्यूबर्स के, वो कहते हैं यार ये हम भी बनेंगे किस दिन। वो ऐसी इंस्पिरेशन है ये गाना लोगों के लिए कि वो यूट्यूबर्स देख के कहते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट होकर वहां तक पहुंच सकते हैं, कभी ना कभी हम भी पहुंचेंगे यार। तो ये मेरे को इस चीज इस गाने मेरे को बहुत भाजी यही बस कि यूट्यूबर्स हों, फैंस फैंस के लिए अपना सबसे ज्यादा ये था कि मुझे फैंस के बीच में गाना बनाना है। तो ये मैंने इन्फ्लिक्ट को भी ये बात बोली थी कि इन्फ्लिक्ट फैंस के बीच में गाना बनाना है, तो इन्फ्लिक्ट यही था कि भाई करेंगे कैसे इस? तो अपना ये था कि कर लेंगे यार, अपने फैंस बहुत प्यारे हैं। लव यू पाजी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई, लव यू टू है और अमित भाई सभी को, आपको ज्यादा स्पेशल इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया सबका, इक्का और अमित भाई की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हमारी, और परिचय सुनते रहिए। यस थैंक यू सो मच, लव यू पाजी। सो या मा हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू अमित भड़ाना एंड इक्का फॉर दिस ह्यूज अचीवमेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ गौरव जोन वर्सेस तद्वा के बारे में। तो तद्वा के जो है कल से फिर से गौरव जोन को पोक करने लगे हैं। जी हाँ, तद्वा के गौरव जोन को पोक करते हुए अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज पोस्ट किए हैं। तो आप भी देखिए तद्वा के क्या कहे। डेंजर मैन, डेंजर मैन, सॉरी रॉन्ग, शरीफ आदमी, शरीफ या सारे हमारे सर पे बाल है लेकिन ना, ये बढ़िया करके, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मेरे बहुत लंबे हैं भाई। इसके बाल नहीं है उसकी, बस क्या होता है, सांडे का तेल लगा लो, गंदा बोल नहीं सकते भी। नहीं बोल सकते, सस्ता है वो, सस्ता है भाई जी ने जो बताया, बहुत सस्ता और काम करेगा। मैंने तो कहा था, बोला भी था मैंने कई बार, समझ नहीं आ रही थी बातें है कि नहीं भाई जी। तो
बाबू लेवल अलग हो जाएगा, मान जाओ। अब यार मुझे पता नहीं ये ड्रामा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तद्वा के क्यों पोक कर रहे हैं। मैं भी तद्वा के एक और वीडियो बनाए गौरव जोन के अगेंस्ट, सो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आयुष मेहरा एंड सेजल कुमार के बारे में। तो ये दोनों का एक इंटरव्यू वीडियो आया है जूम के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने ये इंटरव्यू वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सैनिस श्रेष्ठ के बारे में। तो सैनिस का जो है इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज दोनों वेरीफाइड हो गया है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो यार हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू सैनिस श्रेष्ठ। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।